अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इस तरीके का हड़बड़ा ये अपना रहे हैं। लेकिन जिस जो जाल इन्होंने फेंका है वो जाल में खुद ही आरएसएस भाजपा वाले फंसने, चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भाजपा और आरएसएस के लोगों ने ये समझ गए हैं कि अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इस तरीके का हड़बड़ा ये अपना रहे। अभी देवी मीसा भारती और हेमा यादव पर ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है और इसको लेकर अब जो है वो फिलहाल जो आरजेडी के नेता हैं उस पर बयान देने से बचते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब इस पर बड़ा बयान तेज प्रताप यादव का सामने आ गया है। तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पर जवाब देते हुए कहा है कि जो इन लोगों ने जाल बिछाया है भाजपा आरएसएस वालों ने, वो खुद ही जो है ये लोग इस जाल में फंस जाएंगे। जिस प्रकार से इन लोगों ने जो चार्जशीट हुआ है उसको लेकर तेज प्रताप यादव का बयान ये सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कहा है कि इन लोगों को जानकारी हो गया है कि इन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है और इस वजह से बौखलाए हुए हैं और इन लोगों ने ये जाल बिछाया है। हालांकि इस जाल से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये जाल में यही लोग खुद फंस जाएंगे। ये बात तेज प्रताप यादव ने बयान में कहा है। और साथ ही साथ जो सीट शेयरिंग का मामला चल रहा है, सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा, नहीं होगा या फिर कोई नाराज़गी है, इस तरह के सवाल लगातार जो है वो चल रहे थे। लेकिन इस पर भी तेज प्रताप यादव ने कहा है कि इस पर मेरा कोई बयान नहीं होगा, ये जो सीनियर लीडर हैं वो बैठकर तय करेंगे कि कौन सी सीट कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन जो बातें एक तरफ से 22 जनवरी जो कि आने वाले देश के लिए बड़ा दिन होने जा रहा है, एक बार फिर से रामलला जो हैं वो अपने गर्भ गृह में वहाँ पर विराजमान होंगे और उसी को लेकर पूरी तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जो है वो वहाँ पर पहुँच कर रामलला का पूजा अर्चना करेंगे। ऐसे में एक तरफ से लगातार जो है बयानबाजी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी सामने आती रही है और फिर से तेज प्रताप यादव का बयान इस पर सामने आया। क्या कुछ कहा है सुन बात। तेज प्रताप जी, सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने तो वो चारा खा गए, रेल मंत्री बने तो गरीबों का नौकरी खा गए। सर आप लोगों के लिए वो कहना है सीबीआई ईडी की जो इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भाजपा और आरएसएस के लोगों ने ये समझ गए हैं कि अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इस तरीके का हड़बड़ा ये अपना रहे हैं। लेकिन जिस जो जाल इन्होंने फेंका है वो जाल में खुद ही आरएसएस भाजपा वाले फंसने वाले हैं। सर सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहेंगे? सर सीट शेयरिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। सीट शेयरिंग का वो सब जो लीडर हैं वो जानेंगे। आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा? जो भी लोग कारनामा किए सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भाजपा और आरएसएस के लोगों ने ये समझ गए हैं कि अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इस तरीके का हड़बड़ा ये अपना रहे हैं। लेकिन जिस जो जाल इन्होंने फेंका है वो जाल में खुद ही आरएसएस भाजपा वाले फंसने वाले हैं। सीट शेयरिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। देखिए सीट शेयरिंग का वो सब जो लीडर हैं वो जानेंगे। जो भी लोग इस तरीके का कारनामा किए हैं उनको सख्त सख्त सरकार कार्रवाई करेगी। पूरा इंडिया महागठबंधन कल झंडा लहराएगा।